क्या ब्लैक बियर्ड पायरेट्स ने अपने ओल्के का आइलैंड पर अटैक कर दिया? अपन को मालूम है कि अभी रीसेंट चैप्टर के फ्रंट पेज पे अपन को देखने को मिला था कि जो अपना चॉकलेट टाउन है पूरा का पूरा फ्रीज हो चुका है, या फिर उसके लोग भी फ्रीज हो चुके हैं। या तो ये काम जर्मन सेक्टर्स के कोई नए अटैक का हो सकता है, या फिर ये ब्लैक बियर्ड पायरेट के क्रू मेंबर्स का हो सकता है। तो मैं उसके बारे में पूरी बात करूंगा। तो अगर चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट कर देना, वीडियो कैसे लगे नोटिफिकेशन ऑल पर कर देना, ताकि आने वाले चैप्टर 1063 के स्पॉइलर मिस ना कर पाओ। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखो, जब अपना ओल्के का आइलैंड खत्म हुआ है, उसके बाद अपन को जो मांगा फ्रंट पेज होता है जिस पर साइड इशू नहीं मतलब पड़ती है, वहाँ पे देखने को मिल जाता है कि अपन को ओल्के का आइलैंड के बारे में या फिर जर्मन सेक्टर्स के इसके पर भी रिसेंट 2-3 चैप्टर पहले ही अपन को 5 लोग ओल्के का आइलैंड में आते हुए दिख रहे थे, या फिर 5 लोगों की परछाई। तो लोग अज्यूम कर रहे थे ब्लैक बियर पायरेट्स हैं जो ओल्के का आइलैंड पे आए हैं। उसके बाद अपन को 2 लोग भी देखने को मिले थे आगे, जिनपे केव थी और जूते थे। उसके बाद अपन को दिखाया गया था कि रेजू और रिची जी आए हैं योन जी और नेजी को बचाने, जिनको उन लोगों ने कैप्चर कर लिया था। उसके बाद जो अपना रिसेंट चैप्टर है उसमें अपन को दिखाया गया है कि चॉकलेट टाउन वो पूरा अपना आइस में कवर हो चुका है, वो पूरा आइस ही आइस में बदल चुका है, इंसान भी वहाँ के आइस में बदल गए हैं। तो देखो, इसका अंदाजा सबने पहले ही लगा लिया हो, तुम लोग भी सही सोच रहे हो जो सोच रहे हो। या तो ये जर्मन सेक्टर का कोई नया अटैक होगा, या फिर ये हो ना हो अपना कुजान होगा जो अपना ब्लैक बेल्ट पायरेट का भी हिस्सा है। पर कुजान क्योंकि देखो हमें मालूम है कि जो परछाई में अपन को जूते और केप देखने को मिली थी वो बिल्कुल भी मैच नहीं करती रेजू के केप से और उन लोगों के जर्मन सेक्टर के शूज से, क्योंकि उनके शूज एकदम हाईटेक है, वो वैसे दिखते भी नहीं है। अगर मैं देखा हो तो मैं डिटेल पूरी इमेज डाल दूंगा, देख लेना, पता पड़ जाएगा कि मैं बोल रहा हूँ वो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा कि उनकी केप और जूते सेम नहीं दिखते। और जबकि उन लोगों पे अभी कोई ऐसा टैग अपन को देखने को मिला नहीं, या फिर उनका कोई ब्रदर ऐसा है नहीं जो आइस की पावर इस्तेमाल कर सके। क्योंकि देखो, एक पॉइजन की पावर इस्तेमाल कर सकता है, एक अपनी लाइटनिंग की और एक फायर की सांझी जो है, तो अपन को इससे तो मालूम पड़ जाता है, पर उनमें कोई भी अपनी आइस की पावर इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो देखो, मेरे कंक्लूजन ये बैठता है कि वो हो ना हो ब्लैक बियर पायरेट का हमला है अपना चॉकलेट टाउन पे, या फिर अपना जो कह सकते हो ओल्के का आइलैंड पे। रीजन मैं बता, इसका बहुत ही अच्छा रीजन है, तुम लोग भी सोच के यही सोचोगे कि जो रीजन है उसी की वजह से ब्लैक बियर पायरेट इधर आया है। तो देखो, रीजन मैं बताता हूँ कि अपन को मालूम है कि अपना जो टाउन है अपना मतलब ओल्के का आइलैंड है, उस आइलैंड पे बिग मॉम राज करती है। बिग मॉम के पास काइडो के पास दोनों के पास एक एक रेड पोनोग्लिफ है, मतलब रोड पोनोग्लिफ, और एक अपना जोम है, और तीसरे का चौथे का अपन को मालूम नहीं है। उसको वन पीस तो क्लेम करना ही है ब्लैक बियर्ड को, तो वन पीस क्लेम करने के लिए उसको रोड पोनोग्लिफ चाहिए। तो क्या पता वो रोड पोनोग्लिफ लेने बिग मॉम के पास आया हो, और उसके बाद कोई रीडर तो है नहीं। अपन लोग सोचोगे उसके पास कोई रीडर ही नहीं है जो पोनोग्लिफ रीड कर सकते, जैसे अपने स्टो हेड के पास अपने रॉबिन है, वैसे उसके पास तो कोई है ही नहीं। तो देखो, अपन को मालूम है चाइल्ड फैमिली में जो अपनी थर्ड आई ट्राइब थी पुडिंग, तो उसको मालूम है कि बिग मॉम ने कहा था कि वो थोड़ी बड़ी हो जाए या फिर उसकी थर्ड आई ओपन हो जाए तो वो पोनोग्लिफ पढ़ पाएगी, इसलिए उसने उसको पाल रखा है जो अपनी सांझी उसने देखने को मिली थी। तो क्या पता उसने कुजान को भेजा होगी, जाओ उसको कैप्चर करके लाओ, पुडिंग को पोनोग्लिफ की कॉपी भी लेके आना। तो क्या पता इसमें अपन को ऐसा देखने को मिल सकता है कि वो कुजान उसको ले जाए और उसके अपनी कोई नया आर्क की चालू है, या फिर कोई नई साइड स्टोरी चालू हो जाए, कैटेगरी वर्सेस या फिर कैटेगरी ओवन वगैरह इन सब का। देखो, मेरे ख्याल से कुजान की एकदम सही फाइट होगी अपने ओवन से, क्योंकि ओवन के पास हीट है और कैटेगरी के पास भी अपनी मोची मोची फ्रूट है, तो उसकी कुजान से इतनी खास फाइट तो होगी नहीं, पर अपना कैटेगरी बहुत डेंजरस है, क्या पता वो कुजान को पेल ही दे। पर ओवन के पास हीट है और कुजान के पास आइस है तो उसको पिघला देगा, क्योंकि देखो हीट के सामने कुजान नहीं टिक पाया था, जैसा अपन को मालूम है आकाइनू ने भी उसको हरा रखा है। तो क्या पता ऐसा हो जाए, वो तो 3 ब्रदर हैं और इतने सारे लोग हैं, वो सिर्फ 2 ही हैं, तो आई डोंट थिंक जो कि पुडिंग को किडनैप कर पाएगा। देखो, ये थी मेरी थ्योरी। थ्योरी पसंद है लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट करो ना वीडियो कैसे लगी, नोटिफिकेशन ऑल पर कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में या फिर अगले चैप्टर 1063 के स्पॉइलर्स में। तो वीडियो यहीं तक, जब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।